मैं इस्लामुद्दीन खान और आप देख रहे हैं प्रहार टाइम्स। मुंब्रा पुलिस की डिटेक्शन टीम और थाने एफडीआई ने नशा का कारोबार करने वाले दो युवकों को गिरफ्तार किया है, जबकि एक फरार हो गया है। इनके पास 110 फेंसरेक्स कफ सिरप और वेस्टोरेक्स की 35 बोतल और अल्कोवन नामक 997 टेबलेट बरामद किए गए हैं। थाने एफडीआई के वीरेंद्र राम प्रसाद को इनके बारे में जानकारी मिली थी, जिसकी शिकायत पर मुंब्रा पुलिस ने इन दोनों को पकड़ लिया। पकड़े गए आरोपी का नाम निजामुद्दीन कलाम शेख 20 वर्षीय है, जो जुबली पार्क कौसा का रहने वाला है। दूसरे आरोपी का नाम अरबाज अब्दुल जब्बार शेख 22 वर्षीय है, जो अमृत नगर का रहने वाला है, जबकि जो आरोपी फरार है उसका नाम शाकिर बताया जा रहा है। इनके पास से नशीला पदार्थ भारी मात्रा में बरामद किया गया है। इन्हें पकड़ने में सब इंस्पेक्टर देवीदास गुहे पाटिल, उदय कृपन, छोटू दभाड़े, योगेश पाटिल हुलवान को कामयाबी मिली है। इन दोनों पर आईपीसी की धारा 276 एनडीपीएस 8 के तहत गुनाह दाखिल किया गया है। आपको बता दें कि इसके पहले भी मुंब्रा पुलिस ने नशीला पदार्थ बेचने वाले कई लोगों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है, जिनके पास से नशीला पदार्थ भी भारी मात्रा में मुंब्रा पुलिस ने जब्त किया है। तो तमाम खबरों को जानने के लिए देखते रहिए प्रहार टाइम्स। ताज़ा तरीन खबरों के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना ना भूलें। अगर आप फेसबुक पर देखते हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।